आपको तमीज नहीं है, बड़ों के साथ ऐसी करते हो, हैं ऐसे काम करोगे, इधर दो मुझे। मुझे दोस्तों के यहाँ जाना है, मुझे कपड़े निकाल के दें। कौन से कपड़े और किस कलर के कपड़े? अम्मी आपको नहीं पता कि मुझे नजर नहीं आता, कौन से कपड़े मुझे निकाल के दें, ये बात तो आपको पता होनी चाहिए ना। अच्छा कैसे आप क्या कर रहे हैं आप? यार मुझे तो मर जाना चाहिए, ये कोई लाइफ है मेरी? लोग तो मुझे समझते ही नहीं है, ये दुनिया मेरे लिए तो है ही नहीं। अस्सलामुअलैकुम जी, कौन सा कोर्स हो रहा है यार? ये क्या कोर्स हो रहा है? कोई इस तरह की कोई चीज़ मेरी लाइफ बदल नहीं सकती, ये दुनिया तो मेरे लिए है ही नहीं। चलो फिर भी आप कहते हो तो मैं कोर्स करके देख लूँगा। जी अस्सलामुअलैकुम, आप मैम रवीना बात कर रही हैं? जी मैम मैं सिखा बात कर रहा हूँ। जी मैम ये मैं कोर्स करना चाहता हूँ। ठीक है इंशाल्लाह मैम मैं जरूर करूँगा। ओके अल्लाह। जो हार कबूतर डोली आपकी मार आ गई है, अब रखें। मेरी मार आ गई है। माय कार ड्रॉ बैक द कॉटन प्लग इन द चार्जर अनप्लग द चार्जर व्हाट कॉस्ट यू taking his advice cost me. कोई बात नहीं बेबी, ये भी ले लो, मैं जब बाहर जाऊँ मैं ना फिर आपके लिए और लेके आ जाऊँगा, ठीक है? I think that the life is so beautiful, and I think the life is so beautiful that I really realize that a positive thinking and strong willpower a man can accomplish by impossible task. And the living of the dogs without connecting on the road, as that they will give you back upon even some words that Steve Jobs gave us. And if we want to be success on our destination, we have to remember these words. And I work hard, and now you can see that I have become a CSS officer. MashaAllah. Okay, thank you, bro. Thank you, sir. Thank you. Assalamualaikum. सजाद जो कोई आजकल ट्रेनिंग कर रहा है उसके अंदर काफ़ी अच्छे असरात नज़र आ रहे हैं, तो इससे पहले इसके अंदर काफ़ी खामियां थी, बहुत सारे इसके लिए मसाइल थे। इस तरह की ट्रेनिंग यकीनन सजाद जैसे बच्चों के लिए बड़ी उम्मीद व मावन साबित हो सकती हैं इनकी ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए। उम्मीद है कि इस तरह आइंदा भी इसकी ट्रेनिंग जारी रहेगी, आगे ये अपनी ज़िंदगी के जो
मसाइल इन्हें बेहतर तरीके से हल कर सके। अस्सलाम वालेकुम, ये जो मेरे बेटे ने ट्रेनिंग की है इससे इसमें बहुत कॉन्फिडेंस बहाल हुआ है, काफ़ी तब्दीलियां आई हैं क्योंकि ज़ाहिर है इसकी नज़र का भी मसला है, तो इस तरह ने इसे काफ़ी बातें समझने का मौका मिला है। तो मैं समझती हूँ ऐसे बच्चों की ट्रेनिंग करवाई जाए ताकि इनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो और ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर तरीके से गुजार सकें। शुक्रिया। ये है भाई के बारे से मैं इस तरह कहूँगा कि मैं जैसे कि एक अबगीना था जो कि समंदर के अंदर मौजूद होता है, जो कि समंदर में ही था मैं, और अगर EFFB मुझे ना यहाँ तक लाता ना तराशता तो शायद मैं कभी भी जो है ना कोई मुझे लोग इस तरह से घूमने करता हुआ ना देख सकते, क्योंकि चमकता हुआ ना देख सकते। सब कुछ EFFB के वजह से है। तो मैं स्पेशली कहना चाहूँगा कि थैंक्स फॉर EFFB, लॉन्ग लिव EFFB एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।